स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री दिस इज कंप्यूटर क्लास टूडे वी विल रिवाइज चैप्टर फाइव फॉर्मेटिंग टेक्सट इन वन टू थाउजेंड सिक्सटीन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले से ये चैप्टर पढ़ चुके हैं फिर भी वन सेकेंड वी रिकाव दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं पहले कि फॉर्मेटिंग क्या है वॉट इज फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द अपेयरेंस ऑफ टेक्सट बाई यूजिंग वेरियस फॉन्ट फॉन्ट कलर्स फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग किसी टेक्स्ट का या किसी सेंटेंस का हम लोग जो उसका अपेयरेंस हो जो देखने में वो कैसा लगेगा उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे चेंज करेंगे अगर फॉन्ट हम लोग चेंज कर दें उसका स्टाइल चेंज कर दें उसका साइज़ कलर चेंज कर दें तो क्या होगा ऑटोमेटिक वो हो, जो क्या है हमारा सेंटेंस है और टेक्स्ट जो है वो अट्रैक्टिव लगने लगेगा देखने में सुंदर लगेगा इसे ही हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं तो हम लोग फॉन्ट चेंज करते हैं फ़ोन का स्टाइल चेंज करते हैं कलर चेंज करते हैं लेकिन ये फ़ोन होता है क्या है फॉन्ट इज ए सेट ऑफ लेटर्स नंबर्स और सिंबल्स ऑफ ए गिवन साइज एंड डिजाइन फॉन्ट क्या है अगर हम लोग जो कुछ टाइप करते हैं वो चाहे लेटर हो या नंबर हो या सिंबल हो उसे ही हम लोग फॉन्ट कहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है सेटिंग डाटर स्टैंडर्ड और प्री डिफाइंड इन ए सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड डिफॉल्ट सेटिंग जैसे कि फॉन्ट का हम लोग जो उसका जो साइज कलर वगैरह हम लोग चेंज करते हैं तो पहले से भी हमारा प्री डिफाइंड रहता है पहले से भी सेट किया हुआ रहता है जैसे कि जब हम लोग ओपन करेंगे एम एस वर्ड तो हमारा जो स्टाइल पहले से यहाँ देख रहे है, हैं कैलिबरी यहाँ दिया हुआ है उसके बाद से साइज भी पहले से डिफाइंड किया हुआ है एलेवन दिया हुआ है जो तो यानी कि जो पहले से जो हमारा जो डिफाइन किया रहता है साइज है स्टाइल है जो भी हो उसे की उसे ही हम लोग क्या करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग तो फॉर्मेटिंग हेल्प्स टू मेक चेंजेस टू द डिफॉल्ट सेटिंग तो हम लोग पहले जो सेटिंग जो किया हुआ है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प इन हाईलाइटिंग इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट एंड मेक्स द टेक्स्ट लुक मोर एट्रैक्टिव हम लोग जो टेक्स्ट है जो सेंटेंस है उसको हम लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं जिसके कारण क्या होता है हमारा टेक्स्ट सेंटेंस है जो हमारा अट्रैक्टिव लगने लगता है अब नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टिंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है कैरेक्टर कर, फॉर्मेटिंग में डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन ए सर्टन मैनर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोल्ड इटालिक अंडरलाइन फॉन्ट टाइप फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मतलब कि किसी टेक्स्ट को डिजाइन करना उसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट को सेंटेंस को हम लोग बोल्ड कर सकते हैं उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं ये सब चीज़ हम लोग कैसे करेंगे ये सभी चीज़ जो हम लोग चेंज करेंगे उसे ही हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं नेक्स्ट है हम लोग जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करते हैं उस, उस आ, उसका हमारा दो मेथड है एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द रीवन और दूसरा है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द रीवन तो रीवन का यूज़ करके हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम जब एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये वाला जो हमारा फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब है ये वाला जो है हमारे साथ में ये वाला हमारा बॉक्स ओपन होगा ये वाला बॉक्स ओपन होगा तो हमें जिस टेक्स्ट का जिस सेंटेंस का फॉर्मेटिंग करना है सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद उसका अगर हमको फॉन्ट चेंज करना है तो यह कैलेबड़ी है यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो है उसमें क्लिक करेंगे बहुत सा फॉन्ट हमारा आएगा उसमें क्लिक करेंगे फिर इसमें साइज दिया हुआ है साइज में क्लिक करेंगे फिर कलर दिया है कलर में हम लोग क्लिक करके कोई भी कलर को हम सेलेक्ट करके हम लोग ओके में क्लिक कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द रिवन रीवन से हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं नेक्स्ट से हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग डायलॉग बॉक्स डायलॉग बॉक्स से हम लोग कैसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम लोग किस जिस टेक्स्ट का किस सेंटेंस का हमको फॉर्मेटिंग करना है उससे पहले सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट द टेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे होम टैब पे क्लिक करेंगे होम टैब के अंदर में हमारा फॉन्ट ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप में क्लिक करने के बाद हम जब फॉन्ट ग्रुप में क्लिक करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारा सामने आएगा और फॉन्ट डायलॉग ये जो हमारा देख रहे हैं ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है इसमें हमारा फॉन्ट भी है फॉन्ट स्टाइल है फॉन्ट साइज है फॉन्ट कलर है इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे हम लोग कीबोर्ड से शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी अगर उसे हम एक साथ प्रेस करेंगे कंट्रोल डी तो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन आएगा ओपन हो जाएगा ये हमारा शॉर्टकट की है तो उसके लिए भी हम पहले टेक्स्ट को सेंटेंस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम लोग फॉन्ट होम टाइप पर क्लिक करेंगे होम टाइप के अंदर फॉन्ट ग्रुप आएगा फॉन्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे उसके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आएगा वो सामने हमारे सामने डिस्प्ले होगा उसमें हम लोग अलग अलग फॉन्ट साइज कलर पे हम लोग क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नीचे यहाँ ओके okay लिखा हुआ है ओके okay में क्लिक कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है उस वो हमारा उस टाइप से जिस टाइप का जो कलर साइज आएंगे उसमें वो हमारा चेंज हो जाएगा इस तरह से हम लोग कैरेक्टर का फॉर्मेट करते हैं नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट टेक्स्ट इफेक्ट क्या है तो बच्चों यहाँ पर आप शॉर्टकट की दिया हुआ कंट्रोल डी इसे भी आप लोग देख लेंगे इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट टेक्स्ट इफेक्ट क्या है यूजिंग दिस बटन यू कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट टू एनी टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इसके द्वारा टेक्स्ट इफेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं जो हमारा जो टेक्स्ट है उसमें हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट देख सकते हैं यू कैन चेंज द लुक ऑफ टेक्स्ट बाई चेंजिंग इट्स कलर आउटलाइन और एडिंग इफेक्ट लाइक सैडो ग्लो रिफ्लेक्शन टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करके हम लोग किसी टेक्स्ट में हम लोग कोई इफेक्ट डाल सकते हैं जैसे कि शैडो ग्लो रिफ्लेक्शन वगैरह हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे होम टाइप पे क्लिक करेंगे होम टाइप के अंदर फॉन्ट ग्रुप है वहाँ उसमें हम लोग क्लिक करेंगे फॉन्ट ग्रुप में क्लिक करने के बाद हमारा टेक्स्ट इफेक्ट ये बटन आएगा उसमें हम लोग क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट है टेक्स्ट इफेक्ट के बगल में हमारा एक ड्रॉप डाउन एरो एरो बना हुआ उसमें हम क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे हमारा जो टेक्स्ट इफेक्ट है जिसमें शेडो भी है कलर भी है आउटलाइन में है जो हमें चाहिए उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टेड टेस्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा उसमें टेक्स्ट इफ़ेक्ट उसमें हमें दिखाई देने लगेगा इस तरह से हम टेक्स्ट को हम मोर एट्रैक्टिव बना सकते हैं देखने में सुंदर हम कर सकते हैं तो बच्चों आप लोगों को इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो अपलोड किया गया है आप उस वीडियो को दोबारा देखें और उसमें प्रैक्टिकली बताया गया है उसे आप अपने कंप्यूटर पर लैपटॉप पर करने का आप लोग कोशिश करें तो ये था हमारा आज का कंटेंस डेट्सर फॉल टुडे next part of this chapter uh, we will see in upcoming video that's all for today thank you